गाना एक्चुअली स्टार्ट हुआ मनोज जी से, बिकॉज उन्होंने कंसीव किया, फतेह फतेह वर्ड उनका है. और ऐसे एंथम्स में ना, मैं हमेशा एंथम्स को लाइक आई ऑलवेज कॉल इट एंथम संस्कार, बिकॉज यू नो इतने गाने जब हम एंथम बनाते हैं तो एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज फ्रॉम द आइडिया टू द एग्जीक्यूशन टू द एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट, इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, स्पेशली व्हेन यू मेड सॉन्ग्स लाइक चक दे इंडिया, व्हेन यू मेड सॉन्ग्स लाइक आशा है, विच आर सच अमेजिंग एंथम्स. तो मैं अपने अपने ऊपर एक बड़ा प्रेशर ले लेता हूँ, इसलिए मेरा प्रेशर कभी कभार हल करने के लिए यू नो वी टेक अमेजिंग हेल्प लाइक फ्रॉम जीनियसेस लाइक मनोज. नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज फतेह फतेह जिस तरह से आपने जो सोचा, एंड रियली आई थिंक यू नो दैट वॉज अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. इतना अच्छा और अलग लव्स है, इट्स नेवर यूज्ड फॉर अ स्पोर्ट्स थिंग, यू नो ऑल्दो फतेह मींस विक्ट्री. या कमाल की चीज है ये, कभी हमें भी ये लगा कि ऐसा कोई बहुत हम आसमान से तोड़ के वर्ड नहीं लाए, ये रोजाना का ही शब्द है. हम बात करते रहते हैं, जीत कहते हैं, विक्ट्री कहते हैं, फतेह क्यों नहीं कह सकते. तो और कैप्रिकॉर्न कमांडर्स जो टीम है उसके स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये वर्ड जा रहा था, बहुत अच्छा लगा था. या इट वाज, इट्स अबाउट विक्ट्री एंड इट्स अबाउट विनिंग जस्ट योर, और यू नो ऑनेस्टली जब मुझे हमेशा लगता है कि जो बॉडी और सोल का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, और बॉडी मेरे हिसाब से लिरिक्स होती है, वर्ड्स होते हैं, एंड सोल इज ऑफकोर्स द म्यूजिक, बट यू नो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं. यू हैव टू हैव बोथ इन प्लेस. और शुरुआत इनके लफ्जों से ही हुई, इनके वर्ड्स से ही हुई, जिस तरह से उन्होंने लिखा कि फतेह फतेह, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा. इट्स वेरी इंस्पायरिंग, यू नो व्हेन यू हैव अ वर्ड लाइक फतेह, इट गिव्स यू द जोश एंड द जज्बा टू राइट समथिंग, टू कंपोज समथिंग विच हैज द सेम पावर. और चूंकि ये टूर्नामेंट भी बहुत अलग है, इट्स अबाउट मास्टर्स लीग, और यू नो वी आर गोइंग टू सी सचिन तेंदुलकर वंस अगेन, वी आर गोइंग टू सी वीरेंद्र सहवाग वंस अगेन, एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस ग्रेट क्रिकेटर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम वेस्ट इंडीज, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम गॉड नोस फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो एक यू नो एक इसमें एक बहुत ही अलग फील आ रही थी हमें, यू नो व्हेन वी आर कंपोजिंग. ये हमारे हीरोज हैं जी, वक्त के साथ जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम क्रिकेट देख रहे थे, जब हमने नया नया हमें शौक चढ़ा था क्रिकेट का, तब हमारे तो हीरो यही थे, सचिन तेंदुलकर हमारे हीरो थे, वीरेंद्र सहवाग हमारे हीरो थे, आज तक हैं. तो जाहिर सी बात है जब इनके लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो मजा कुछ और ही होता है. ऑफ कोर्स, और यू नो फतेह फतेह जिस तरह से गाना कंसीव हुआ, इट्स नॉट के बस इन्होंने लिखा और हमने कंसीव कर लिया. इसमें कुछ, इसमें बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व थी. यू नो सुलेमान ऑफ कोर्स डिड, ही इज नॉट हियर विद मी, बट I keep saying do just make Jan Salim Suleiman, and like you know he was you know a big spirit. We are our musical team Raj and everyone, we had a really good combination with everyone. Or Shivam, he sang it so well. Indian Idol singer hai wo, Indian Idol ka contest ka singer hai. He was very good. Jis tarah se usne gaya, I got another guy called Earl, jisne rap kiya hai wo. Capricorn Commanders and all that. So it's turned out really interesting and it's turned out very good. And you know, but shuruaat to aap se hi hui hai janab, so all credit goes to you, really. Yeah, thank you so much. That's being Salim Merchant, because you deserve it. You deserve it, because you know what, jo jab mujhe yaad hai jab humne I'm sorry I'm digressing, but you know like एवी जब वर्ड आया था, तो वो वर्ड एक्चुअली मैंने सोचा था, एंड देन ऑफ कोर्स यू नो द उसके जो राइटर है, लिरिसिस्ट है, उन्होंने लिखा. बट ये तो गाना आपने बिगिनिंग से कंसीव किया, लाइक फतेह फतेह वाज योर वर्ड, और वो इतना अलग और इतना मजेदार लफ्ज है दैट यू नो स्पेशली स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत ही अलग लफ्ज है. क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स में होता क्या है कि यू गेट लाइक यू नो जीत लेंगे, यू नो कुछ कर दिखाना है, और यू नो वगैरह वगैरह वगैरह. ये बहुत अच्छी चीज हुई, मुझे भी इसमें बड़ा मजा आया कि पूरे के पूरे एक फ्रेज की जगह पे हमने सिर्फ एक शब्द उठाया. Exactly. और वो एक शब्द बहुत सुना सुना सा नहीं है. Exactly. So that is the best thing about that word. और एक बात है, जब सवाल एंथम का आता है, पूरा देश सब आके इसी दरवाजे घंटी बजाते हैं. मैं सलीम सुलेमान के अलावा कोई जैसे एंथम कर ही नहीं सकता. मे बी लोग अच्छा करते होंगे, बहुत अच्छा करते होंगे, पर आज इस देश को जो एंथम्स पता हैं वो सिर्फ सलीम सुलेमान के. नहीं, ऐसा आई थिंक यू नो ये लोगों का प्यार है, और यू नो आई थिंक इट्स यू नो यू बीइंग वेरी नाइस, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली होता ही है कि जब हम गाना बनाते हैं और कितनी भी मेहनत करते हैं, जब गाने को जो हिट करने वाली जो एक बात है वो सिर्फ लोगों की ही है.
यू नो आज चक दे इंडिया जो है वो हमारा गाना नहीं रहा, वो पूरे देश का गाना हो गया. बिल्कुल पूरे देश का. और एंड इट्स आई थिंक इट्स यू नो जब लोगों की एनर्जीज जुड़ जाती है ना तो एक चीज यू नो बिकम्स लार्जर देन. मैं हमेशा कहता हूँ कि डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए. हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए. गड़गड़ 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 पीजा जोश के प्याले, सनसन 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 सात समंदर आज चढ़ा ले. वल्ला 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 जीतेंगे हम शर्त लगा ले. वल्ला वल्ला हम हैं मतवाले, वल्ला वल्ला जीतेंगे शर्त लगा ले. फतेह 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 होगी फतेह, हाँ बस एक ही है इरादा. फतेह 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 होगी फतेह, हाँ बस एक ही है इरादा.